हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने और एक न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इसको रिव्यू करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट है बेलावोस्टे का न्यू प्रोडक्ट। ये है लिप कॉन्टोर, अल्टी मैट एंड लिप कॉन्टोर सेट। बेलावोस्टे का न्यू लॉन्च है। आई थिंक ये ग्लैमीगो बॉक्स में मुझे मिले थे दोनों भी। तो ये पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये बेलावोस्टे का अल्टीमेट लिप कॉन्टोर सेट है। इसमें लिप लाइनर प्लस लिपस्टिक दोनों सेट में आते हैं, तो विच इज गुड थिंग। एंड ये अभी ग्लैमीगो बॉक्स में ही लॉन्च हुए, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक या शॉर्टली मार्केट में ये अवेलेबल लॉन्च करेंगे, अवेलेबल हो जाएंगे या लॉन्च करेंगे। तो ये दो मेरे पास है, दोनों शेड में आपको दिखाती हूँ, आप खुद ही दे सकते हो। ये जो पैकेजिंग है काफी क्लासी है। एंड ऑलमोस्ट मैंने इसको अभी 3 to 4 times अप्लाई करके इनको भी टेस्ट किया है। तो चलिए इसका पैकेजिंग हम देखते हैं। इस तरह से दिखेंगे आपको, क्लासी सिल्वर कार्डबोर्ड बॉक्स में सिल्वरी फॉइल अटैच्ड हुए। यहाँ पे लिखा गया बेलावोस्टे अल्टी मैट लिप कॉन्टोर सेट। यहाँ पे ऑर्गन ऑयल एंड जजोबा ऑयल इंक्लूडेड है, ये इन्फ्यूज्ड है, तो विच इज गुड थिंग। एंड यहाँ पे विक्टोरियन रोज यहाँ पे शेड देखने को मिलेगा, और दूसरा शेड है रूट बीर। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम देखेंगे, लिप लाइनर का नेट वेट है 1.2 ग्राम, प्लस लिपस्टिक का नेट वेट है 4.2 ग्राम, टोटल प्रोडक्ट आता है 5.4 ग्राम का। एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे उसके लिप लाइनर के बारे में एंड लिपस्टिक के बारे में, अलग अलग उन्होंने इंडिकेट किया है। लिप लाइनर के बारे में आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। लिप लाइनर एनरिच्ड विद जोजोबा ऑयल सुपर लॉन्ग वियर। लिप लाइनर में जोजोबा ऑयल है एंड लिपस्टिक में आर्गन ऑयल है, दोनों अलग अलग, दोनों में दोनों कॉम्बिनेशन नहीं है। लिप लाइनर में भी आपको जोजोबा ऑयल मिलेगा एंड लिपस्टिक में आपको आर्गन ऑयल मिलेगा, विच इज गुड थिंग एंड मुझे बहुत पसंद आया। एंड सुपर लॉन्ग वियर, सुपर सॉफ्ट एंड ग्लाइडिंग, नो फेदरिंग एंड नॉन स्टिकी एंड एक्सलेंट एंड इवन कलर पे ऑफ, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड, इजी टू ब्लेंड शॉर्टली आफ्टर अप्लीकेशन। जो लिप लाइनर के बारे में यहाँ पे क्लेम किए गए हैं, सारे क्लेम्स प्रूव हो चुके हैं। मैंने 5 days इसको यूज किया है, तो डेफिनेटली ये जो भी यहाँ पे है, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग सॉफ्ट ग्लाइडिंग एंड ईजी ग्लाइड होता है, जो जब ऑयल एकदम मैट फिनिश भी है लेकिन कम्फर्टेबल मैट फिनिश में टर्न होता है, एंड नॉन स्टिकी है, एकदम चिपचिपा नहीं है। एंड आई लव, अगर आपको जस्ट लिप लाइनर भी कंप्लीट फिल करके जाओगे तो भी आपको लिपस्टिक का इफेक्ट देगा, तो उतना सुपर्ब है। एंड अब देखते हैं लिपस्टिक के जो भी इंडिकेशंस यहाँ पे। लिपस्टिक एनरिच्ड विद आर्गन ऑयल, इंटेंस कलर पे ऑफ विद 1 stroke अप्लीकेशन, फुल कवरेज विद परफेक्ट मैट फिनिश एंड अल्ट्रा सॉफ्ट टेक्सचर एंड सॉफ्ट विद सॉफ्टनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स, एडवांस्ड सॉफ्टर एंड क्रीमियर फॉर्मुलेशन विच सॉफ्टन्स द लिप। तो यहाँ पे भी जो जो वो क्लेम किया है डेफिनेटली वो प्रूव होता है, एंड लॉन्ग लास्टिंग, फुल कवरेज, सॉफ्ट है, मैट है, फिर भी वो कम्फर्टेबल है लिप के ऊपर बिकॉज ऑफ आर्गन ऑयल आई थिंक। एंड इवन दो उसके साथ भी आपको नरिश भी करता है लिपस्टिक को, एंड स्टेनिंग एंड कवरेज आपको, अगर आपका डार्क लिप्स है, विदाउट आप लिप लाइनर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो इजीली कवर अप हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा 1 or 2 minutes एटलीस्ट वो सेट होने में टाइम लेता है, लेकिन एक बार वो सेट होने के बाद डेफिनेटली, लेकिन किस प्रूफ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ट्रांसफर होता है ये, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली है। एंड यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स मैंने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे लिप लाइनर एंड लिपस्टिक का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके पैकेज के ऊपर आप देख सकते हो कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट नहीं दिया गया। यहाँ पे उसका शेड नेम दिखा आप देख सकते हो, एंड प्राइसिंग में नहीं, बॉक्स के ऊपर प्राइसिंग नहीं मेंशन किया है उन्होंने। आई थिंक अभी ये लॉन्च हुआ है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए उन्होंने प्राइस आई थिंक यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है। तो जो ग्लैमीगो के बॉक्स में आया था उसमें उन्होंने प्राइस किया इस किट का 1149 रुपीज। तो
चलिए इसको ओपन करते हैं। प्राइसिंग वाइज मैं आपको बाद में बोलती हूँ मेरा रिव्यू क्या है। तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह से एक कंपार्टमेंट में आपको लिप लाइनर एंड लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन मिलता है। परफेक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, विच इज गुड थिंग, क्योंकि दोनों कॉम्बो में आ जाता है तो आपको लिप लाइनर सेम शेड में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है लिप लाइनर बेलावोस्टे का। यहाँ पे आपको सेम जो भी शेड है आप आराम से यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है, तो ये विच इज गुड थिंग। एंड यहाँ पे बेलावोस्टे 24/7 लिप लाइनर लिखा गया है, विक्टोरियन रोज शेड नेम है। एंड यहाँ पे 1.2 ग्राम का नेट वेट दिया है, मेड इन जर्मनी। एंड यहाँ पे आपको लिप लाइनर के ऊपर आपको मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट दिया गया है, 1/2017 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है एंड एक्सपायरी 7/2019 तक है। इसका एक्सपायरी डेट और इसका एक्सपायरी डेट दोनों भी अलग अलग है। एंड यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो लिपस्टिक है, इसका जो लिपस्टिक के ऊपर एक रैप था मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका है, तो इस तरह से एक ब्लैक क्लासी प्लास्टिक का कवरेज है, नॉर्मल जैसे लिपस्टिक के केस होते हैं उसी तरह से ये क्या पैकेजिंग है। एंड यहाँ पे बीबी लिखा गया है एंड बेलावोस्टे द परफेक्ट पाउट। एंड यहाँ पे बैग्स पे आपको 13 विक्टोरियन लिपस्टिक 4.2 ग्राम शेड नेम नंबर वगैरह यहाँ पे आपको दिखेगा। और इसके ऊपर जो रैप था प्लास्टिक मैंने एक सेव करके रखा था, तो विक्टोरियन रोज का जो है मैन्युफैक्चरिंग 5/2018 में है एंड एक्सपायरी 4/2021 तक है। इसमें इसका एक्सपायरी इससे थोड़ा ज्यादा है। एंड चलिए ये बुलेट काफी स्टर्डी है, आप अगर वैनिटी बैग में भी रखते हो तो ये खुलने वाला नहीं है, काफी अच्छे से स्टिक हो जाता है। फिर भी आप ये अगर आप एक पाउच में डालोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। एंड ये इस तरह से ओपन करने के बाद आपको ये बुलेट इस तरह से दिखेगा, ब्यूटीफुल मरूनिश शेड है ये, डीप रेड या मरूनिश रेड काइंड ऑफ माव, डीप मरून माव काइंड ऑफ शेड, मुझे कैसे डिस्क्राइब करना ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लाइट हैंडेडली ये फर्स्ट स्ट्रोक है, आप देख सकते हो कितना अच्छे से वन स्ट्रोक में ये ग्लाइड हो रहा है, लेकिन इवन नहीं होता है। आपको ये कलर इंटेंसिटी इवन आउट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 कोट्स तो आराम से आपको ये सेकेंड कोट, थर्ड कोट, ये फोर्थ कोट, आप देख सकते हो फोर्थ कोट में आपको ये थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा आराम से ग्लाइड होता है एंड मैट फिनिश है, कोई शाइनी पार्टिकल नहीं है, सैटिनी भी नहीं है, ये डेफिनेटली मैट है। ये विक्टोरियन शेड, ब्यूटीफुल शेड है। आप चाहे तो अगर आप वीटिश या मीडियम टू डस्की टू डीप स्किन टोन है तो ये परफेक्ट आपके लिए काफी अच्छा लगेगा। अगर आप स्किन लाइट स्किन टोन है आपका तो ये डेफिनेटली आपको एक बोल्ड शेड लगेगा। एंड ये लिप लाइनर एक ही शेड में, आप देखिए मुझे लिपस्टिक के ज्यादा ये बहुत ज्यादा क्रीमी एंड पसंद आया एंड लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली है। एंड ये एक ही स्वाइप में इतना अच्छा कलर दे रहा है एंड बहुत ज्यादा, अगर इसके साथ में पूरा लिप काउंटर में एक एटलीस्ट इसके लिए एक शार्पनर दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन शार्पनर उन्होंने ऐड नहीं किया है। एंड नेक्स्ट शेड है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दोनों का सेम रहता है तो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी। तो यहाँ पे सेकेंड शेड है रूट बियर, रूट बीर, एंड इसका भी आपको मैं स्वॉच दिखा देती हूँ। ये परफेक्ट न्यूड शेड है, अगर आप लाइट व्हीटिश शेड है तो आपके लिए ये परफेक्ट न्यूड है एंड अगर आप लाइट स्किन टोन के हैं तो आपके लिए तो ये वाओ वंडरफुल शेड है। डेफिनेटली आप ये डेली यूज के लिए न्यूड शेड आप डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो इतना ही, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, आपको थोड़ा सा ये स्प्रेड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
अगर आप मेरे जैसे वीटिश या डीपर, थोड़ा सा वीटिश से डीपर के मीडियम में है तो ये आपको परफेक्ट न्यूड शेड है, डेली वियर कंफर्टेबल आप वियर कर सकते हो, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन लाइट स्किन टोन जो है आपके लिए डेफिनेटली है ये शेड, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। एंड लिप लाइनर देखिए, एक ही स्वाइप में ये इतना अच्छा कलर एंड क्रीमी, ऑलमोस्ट लिपस्टिक की तरह ही काम कर रहा है। एंड मुझे नहीं लगता है कि इसके लगाने के बाद ऊपर लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं, उतना कलर मुझे पसंद आया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 2017 में मैन्युफैक्चर किया गया है, एंड यहाँ पे 7/2019 तक इसका एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे भी उसका शेड नेम वगैरह रूट बियर लिखा गया है, लेकिन मैं इसका जो शेड नेम बैक साइड पे 12 रूट बियर लिपस्टिक यहाँ पे दिखा गया है। एंड इसका जो एक्सपायरी डेट है मैंने कवर लॉस्ट कर दिया ऑलरेडी, तो ये दो शेड्स हैं। इसके लिए ये दोनों शेड्स हैं, आप देख सकते हो। तो इसका मैं लिप्स के ऊपर लगा के स्नैप्स में वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप क्लियरली विजिबल आप डिसाइड कर पाओगे। तो ये है 12 रूट बियर शेड, मैंने अप्लाई कर लिया है, आप खुद ही देख सकते हो। ये न्यूड का भी उतना काम नहीं करेगा अगर आप डस्की स्किन हो, टोन हो, तो अगर आप लाइट स्किन है तो आपके लिए परफेक्ट डेली वेयर शेड है। एंड अगर आप ओम्ब्रे लिप्स क्रिएट करना चाहते हो तो ये आपका काम आ सकता है, तो आप ये मरून या डार्क ब्राउन इस तरह से आप कॉम्बिनेशन करके आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ओम्ब्रे लिप्स के लिए ये परफेक्ट काम आता है। लेकिन अकेले ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस तरह से लगेगा अगर आप मेरे जैसे स्किन टोन है तो आपने देखा ये लिप कॉन्टर किट का पूरा पैकेजिंग एंड इसके शेड्स आप नेचुरल लाइट में देखे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिफिशियल लाइट में ये शेड्स कुछ इस तरह से लगते हैं। एंड जो मैंने अप्लाई किया है विक्टोरियन रोज अप्लाई किया है, तो आप देख पाओगे कि लाइट में किस तरह से ये शेड नजर आएंगे। मेरे जैसे अगर आप वीडिश लाइट टू मीडियम या थोड़ा डीप तक स्किन टोन है तो ये परफेक्ट एंड बहुत ही अच्छा वाला शेड है। तो कंप्लीट है, मैट है, कोई भी शाइन नहीं है, ऑलमोस्ट ये 1 आवर से ज्यादा हो गया मैं लगाते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा ट्रांसफर होता है लेकिन कंप्लीट भी वॉश ऑफ नहीं होता। ट्रांसफर प्रूफ या किस प्रूफ जो ये इन्होंने क्लेम किया है वो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये ट्रांसफर होता है लेकिन कंप्लीट वॉश ऑफ नहीं होता, कंप्लीट निकल के भी नहीं आता है। एंड ये लगाने के लिए आपको 3 से 4 स्वाइप्स आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो लिप लाइनर है बहुत ज्यादा क्रीमी है, आपको जस्ट 1 स्वाइप में अप्लाई हो जाता है। लेकिन लिपस्टिक थोड़ा सा मैट है एंड अप्लाई करने के लिए आपको 3 to 4 राउंड्स आपको अप्लाई करने के बाद ही आपको इवन कलर पे ऑफ आएगा। डेफिनेटली ये कवरेज अच्छा है एंड मैट फिनिश है, एंड इसमें जोजोबा एंड आर्गन ऑयल होने के कारण दोनों भी मैट के बावजूद कंप्लीट ड्राई नहीं करते, लिप्स को नरिश करते हैं एंड काफी कंफर्टेबल है एंड शेड परफेक्ट है। डेफिनेटली आप ट्राई करना चाहिए इसको। एंड अभी तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ तक आई थिंक ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक ग्लैमेगो बॉक्स के थ्रू ही लॉन्च हुए हैं, तो मुझे ये काफी पसंद आए। आराम से आपको लगाने के बाद 5 to 6 आवर्स डेफिनेटली आपके लिप्स में रहते हैं। अगर आप ऑयली खाने के बाद भी, मैंने ट्राई किया था, थोड़ा सा फेड होता जाता है लेकिन दिन भर में, लेकिन कंप्लीट वॉश ऑफ नहीं होता, टिल आप रिमूव करने तक कंप्लीट इवन एक लेयर रहता है। सेंटर पोर्शन में अगर आप थोड़ा सा माइल्ड है, फेड जरूर होता है लेकिन वॉश ऑफ बिल्कुल नहीं होता है। डेफिनेटली आप कोई मैट परफेक्ट या कंफर्टेबल मैट लिपस्टिक आप या कवरेज वाला एक शेड्स
ट्राई करना चाहते हो तो ये बेलावोस्टे का न्यू काउंटर सेट आप ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं प्राइसिंग सेक्शन में, बॉक्स में तो ऊपर उन्होंने अभी तक के प्राइसिंग मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ग्लैमेगो के प्रोडक्ट का लिस्ट आता है उसमें 1149 रुपीज, अराउंड 1150 रुपीज इसका प्राइस उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये एक काउंटर पैकिंग पैक में आता है, इसके लिए प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा है उन्होंने। अगर आप सेपरेट सेपरेट परचेज करना चाहोगे तो लिपस्टिक के लिए अराउंड 400 रुपीज काफी होगा मेरे हिसाब से, एंड इसके लिए अराउंड 250 to 300 रुपीज काफी होगा। लेकिन यहाँ पे जो आर्गन ऑयल है मैट फिनिश होने के बावजूद जो क्रीमी टेक्सचर है उसका, उन सभी क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्राइस ओके, फिर भी प्राइस थोड़ा कम, अराउंड 900 प्राइस रखते तो ओके था मेरे लिए। आप क्या सोचते हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा इमेजिनेशन है कि अराउंड 900 तक दोनों मिला के अगर प्राइस रखते तो 800 to 900 मैक्सिमम तो ओके था। फिर भी ये क्या बोलते हैं अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन दोनों कॉन्टोर किट एक ही किट में आपको मिल जाएंगे, वो एक इसका प्लस पॉइंट है। तो अभी तक मैंने इस तरह से पैकेजिंग या मैंने परचेज नहीं किए कि दोनों लिप लाइनर या लिपस्टिक एक ही शेड के एक ही किट में आ जाए, तो ये एक न्यू लगा मुझे, अच्छा लगा क्योंकि ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट बेलावोस्टे का ये लिप कॉन्टोर किट जो भी है लिपस्टिक के लिप एंड कॉन्टोर सेट के रिव्यू, एंड ये कुछ इस तरह से है। तो अगर आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो जेन्यून लगा हुआ है या पसंद आया हुआ है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बनता है फ्रेंड्स, एंड हिट ऑन बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।